अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में सत्ता संभालने से पहले ही यहां के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आज तक ने ऑपरेशन केजरीवाल में दिल्ली सरकार के अफसरों में मचे हड़कंप को खुफिया कैमरे में कैद किया। आज तक को पता लगा कि जाते हुए मंत्रियों के स्टाफ और कई गोपनीय विभागों में फाइलें और दस्तावेज खत्म किए जा रहे हैं, चुन चुन कर फाइलों से कागज निकाल कर फाड़े जा रहे हैं और अफसरों की मेजें और अलमारियां साफ की जा रही हैं। जब आज तक का कैमरा शीला सरकार के दबंग मंत्री अरविंदर सिंह लवली के दफ्तर में पहुंचा तो यहां तैनात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नवानी के ऑफिस में स्टाफ को फाइलें फाड़ते हुए खुफिया कैमरे में कैद किया। फाइलों की सफाई में व्यस्त लवली के ओएसडी आज तक की टीम को देखकर पहले तो सकपका गए, फिर कुछ देर संभल कर उन्होंने खुद को नॉर्मल किया। जब उनसे पूछा गया कि दफ्तर में फाइलें क्यों फाड़ी जा रही हैं, तो ओएसडी साहब बिल्कुल अनजान बन गए। लेकिन आपको वहाँ बैठे थे, फाइल फट रही थी तो वहाँ बैठे हुए थे, आप वहाँ बैठ रही थे आज तक के स्टिंग ऑपरेशन केजरीवाल में दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार को लेकर भी खुलासा हुआ। यहां के सबसे बड़े अधिकारी यानी सीईओ के पीए ने खुद कहा कि बोर्ड में एक एक आदमी के पास एक एक दो दो गाड़ियां हैं और लंच में ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। एक एक आदमी के पास दो दो गाड़ियां, तीन तीन गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं है। साला हेड क्लर्क भी गाड़ी में घूम रहा है, इतने भी नहीं है, इससे भी कहीं आगे की बात। और भी बहुत सारी चीजें, मैं कह रहा हूँ जीरो से अगर चालू करेंगे तो भी बहुत कुछ। खाली अगर आप जल बोर्ड की मीटिंग के लंचे गिन लोगे तो वो भी 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार आते ही पूरे मामले की जांच कराएगी। बहुत ही चौंकाने वाला है, हमें उम्मीद तो थी कि बहुत ज़्यादा करप्शन होगा और बहुत ज़्यादा घपले घोटाले की फाइलें होंगी, लेकिन हमारे पहुँचने से पहले, हमारे मंत्रालय में पहुँचने से पहले इस तरह से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, वहाँ पर इतनी उम्मीद नहीं थी। अभी तो बहुत सारी चीज़ों पर कार्रवाई करनी है, लेकिन सिर्फ इस पर नहीं, आप देखते रहिए। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। सीएम बनने से पहले ही केजरीवाल ने विजिलेंस और एंटी करप्शन विंग के मुखिया और अधिकारियों से मुलाकात की। करप्शन विंग के अधिकारियों ने केजरीवाल को हाई प्रोफाइल केसों और जांच के बारे में बताया। दिल्ली में शपथ ग्रहण से एक दिन पहले यानी आज से ही केजरीवाल का एक्शन प्लान शुरू होने वाला है। बिल्कुल सीधा और सरल एक्शन प्लान। वो आज से ही दिल्ली के कई इलाकों में लोगों की समस्याएं सुनने जाएंगे और मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी करेंगे। उनके साथ अफसरों की पूरी जमात ऑन द स्पॉट होगी। आज केजरीवाल गोल मार्केट, वाल्मीकि बस्ती, यहाँ पड़ने वाले सरकारी फ्लैट और कालीबाड़ी मार्ग पर लोगों से रूबरू होंगे। समस्याओं के समाधान के लिए भी नियत तारीख मौके पर ही अफसरों को दे दी जाएगी। महंगाई की मार झेल रही दिल्ली एनसीआर की जनता को एक और झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में सीएनजी 4.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसके दाम 5.15 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं। सीएनजी की कीमत बढ़ाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएनजी के दाम बढ़ाने पर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने कहा है कि इस समय दाम बढ़ाना संदेह पैदा करता है। वहीं बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी कीमत वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दावा किया है कि उन्हें आपका समर्थन न करने के लिए धमकियां मिल रही हैं। सरिता विहार में रहने वाले विधायक आसिफ मोहम्मद के मुताबिक उनके घर पर तड़के करीब करीब 3 बजे एक शख्स पहुंचा। उस शख्स ने कहा कि उसे कांग्रेस हाईकमान ने भेजा है और ये कहा है कि वो किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी का समर्थन ना करें। इसी तरह चांदनी चौक के विधायक प्रहलाद साहनी का कहना है कि तड़के 4 बजे उनके घर भी एक शख्स पहुंचा था। कांग्रेस के तीसरे विधायक मतीन अहमद ने भी धमकी मिलने का दावा किया है। टीम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव की बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है। संकेत है कि आम आदमी पार्टी कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है। देश भर के 309 जिलों में आप कमेटी बनाएगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए फेसबुक पर बाकायदा फॉर्म जारी किया गया है। इसके साथ ही आपकी बागडोर संजय सिंह को सौंप दी गई है। अब संगठन की पूरी जिम्मेदारी संजय सिंह संभालेंगे जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि गृह मंत्रालय आम आदमी पार्टी को चंदे के रूप में विदेशों से मिल रहे धन की जांच कराएगी।
आपके विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले के बाद उस पर आरोप लग रहा था कि उसे विदेशों से काफी मात्रा में धन मिल रहा है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आपके खातों की जांच कराने का फैसला लिया है। आपने कहा है, हम जांच के लिए तैयार हैं क्योंकि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार से अन्ना फिर से दो दो हाथ करने की तैयारी में है। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को एक चिट्ठी लिखी है। अन्ना ने चिट्ठी में सीएम से ग्राम सभाओं को मजबूत करने की अपील की है, साथ ही अधिकारियों के ट्रांसफर समेत मौजूद अच्छे कानूनों को ठीक से लागू करने का आग्रह भी किया है। अन्ना ने आग्रह किया है कि अगर महाराष्ट्र सरकार उनके उठाए मुद्दों पर नहीं चेती तो वो आंदोलन शुरू करेंगे। नहीं, क्या है कि कानून बन गया, वो कानून का अमल नहीं हो रहा। जैसे बदली का कानून बन गया, आज भी बदली में क्लास 3 और क्लास 4 इसमें इंटरफेयर होता है। चार राज्यों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी का अपना ध्यान मिशन 2014 पर है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के मुद्दे सरकारों के मुखियाओं को समझाए जाएंगे। साथ ही उनसे आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस की वापसी पर इनपुट भी लिया जाएगा। पीएम मनमोहन सिंह जनवरी के पहले हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम मनमोहन सिंह काफी अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उम्मीद है अपने कार्यकाल के आखिरी साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे मनमोहन सिंह सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश करेंगे। 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गुजरात दंगे के मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत से नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में मोदी को एसआईटी ने जो क्लीन चिट दी थी उसे अदालत ने बरकरार रखा है। अब इस मामले में मोदी पर केस नहीं चलेगा। अदालत ने जाकिर जाफरी की याचिका खारिज करते हुए एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। मोदी को मिली एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ याचिका दायर करने वाली जाकिर जाफरी ने कहा है कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी। गुजरात दंगे मामले में क्लीन चिट मिलते ही नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ऐलान किया कि सत्यमेव जयते। वहीं उनकी पार्टी ने दिल्ली में पार्टी के दफ्तर में जमकर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर आतिशबाजी की। केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के जासूसी कांड की जांच के लिए आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक ये जांच आयोग 3 महीने में रिपोर्ट देगा। जांच आयोग का मुखिया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह पर पुलिस की मदद से एक महिला की जासूसी कराने का आरोप है। कांग्रेस ने इसे देर से लिया गया सही फैसला कहा है। वहीं बीजेपी ने जांच के फैसले की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। कभी अमिताभ बच्चन के सबसे करीबी दोस्त रहे अमर सिंह ने राज ठाकरे से बिग बी की दोस्ती को लेकर चुटकी ली है। लंदन में एक समारोह में पहुंचे अमर सिंह ने कहा कि 4 दशकों में बच्चन परिवार ने कईयों से दोस्ती की और तोड़ी। देखना है ये नई दोस्ती कब तक निभ पाती है। देखिए, मुझे इस बात का पर बहुत ज्यादा खेद नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है। बिहार में आरजेडी को कांग्रेस झटका देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस हाईकमान ने स्टेट यूनिट को बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी करने का निर्देश दिया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अभी गठबंधन को लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को लेकर पूरी तरह से आशावान है। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर मुलायम सिंह के बयान को राज्य के आला अधिकारी नकार रहे हैं। मुलायम ने कहा था कि वहां के राहत शिविरों में ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बने राहत शिविरों में बच्चों की मौत के मामले में आई रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत ठंड लगने की वजह से नहीं हुई, बल्कि बीमारियों की वजह से हुई। राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तो कहना है कि यदि ठंड से लोग मरते हैं तो साइबेरिया में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। मुजफ्फरनगर दंगे पर मुलायम सिंह के बयान का विरोध तेज हो गया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी के बाद यूपी के कई मुस्लिम नेता और उलेमाओं ने मुलायम के बयान पर एतराज जताया है। पूर्व राज्य मंत्री तौकीर रजा का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में मुसलमानों के साथ धोखा किया है और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुंबई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संजय दत्त के घर के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी का ये प्रदर्शन पेरोल पर संजय दत्त की रिहाई के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि संजय दत्त को पेरोल देने में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। संजय दत्त को पत्नी के ऑपरेशन के नाम पर पेरोल दिया गया है। इस प्रदर्शन के बाद संजय दत्त के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
मुंबई में 75% मोबाइल टावर अवैध हैं। यह खुलासा खुद बीएमसी ने अपनी वेबसाइट में किया है। बीएमसी ने अपनी वेबसाइट पर अवैध टावर की लिस्ट जारी की है। अवैध टावरों का मामला पहले ही मुंबई विधानसभा में उठ चुका है और सरकार मान चुकी है कि अकेले मुंबई शहर में 5,535 अवैध मोबाइल टावर हैं। सरकार ये भी मान चुकी है कि टावर लगाने के लिए टेलीकॉम विभाग और बीएमसी से एनओसी लेना पड़ता है, लेकिन कुछ टावर बिना अनुमति के लगाए गए हैं। दिल्ली के बिंदापुर राजा इलाके में निर्माणाधीन इमारत तोड़ने पहुंचे एमसीडी के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया। एमसीडी के अफसर अपने कर्मचारियों के साथ एक मकान तोड़ने पहुंचे। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। एमसीडी जैसे ही ताला तोड़कर अंदर घुसी, मकान मालिक ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पड़ोसियों के साथ मकान को घेर लिया। इन लोगों का आरोप था कि एमसीडी की टीम बिना किसी नोटिस के मकान तोड़ने आई है। बाद में पुलिस ने आकर बंधकों को छुड़ाया। कानपुर पुलिस ने नवी कक्षा के छात्र सिद्धार्थ की हत्या का केस सुलझाने का दावा किया है। सिद्धार्थ की हत्या के आरोप में उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इन तीनों ने सिद्धार्थ के पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के लिए उसे अगवा किया। बाद में मामला खुलने के डर से 22 दिसंबर को उसकी हत्या कर दी। सिद्धार्थ की लाश बुधवार को रावतपुरा नहर के पास मिली थी। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय ढह गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। इलाके के लोगों के मुताबिक ड्रेनेज का उचित इंतजाम नहीं होने से बायोगैस की टंकी फट गई और शौचालय ढह गया। मरने वाली महिला का नाम सरस्वती बताया गया है। घायलों को इलाज के लिए महानगर पालिका अस्पताल में दाखिल कराया गया है।